उज्जैन शहर और जिले के सभी नगरीय निकायों में कोरोना कर्फ्यू 19 अप्रैल तक लगा रहेगा। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक सभी किराना दुकानें एवं अन्य व्यापार व्यवसाय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि व्यापार व्यवसाय को बंद रखकर सरकार जो लॉकडाउन लगाकर गंभीर महामारी कोरोना वायरस पर काबू कर पाने की सोच रही है, अब ऐसा नहीं है। गंभीर महामारी कोरोना वायरस पर अगर सरकार को काबू पाना है तो मोहल्लों में शिविर लगाकर, क्षेत्र में शिविर लगाकर, महिला बाल विकास स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जांच कर घरों पर उपचार शुरू किया जाए तो जाकर इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है। टीकाकरण स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से भी बीमारी पर काबू पाया जा सकता है, पर लॉकडाउन लगाकर गंभीर महामारी पर काबू नहीं पाया जा सकता है। लॉकडाउन लगने से व्यापार व्यवसाय ठप हो जाएगा और व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे तो मजदूर परिवार भी परेशान हो जाएंगे और मध्य प्रदेश में भुखमरी उत्पन्न और पैदा हो जाएगी। इसलिए सरकार को व्यापार व्यवसाय करने की अनुमति देनी चाहिए और लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। उज्जैन शहर की अगर बात करें, शहर में प्रतिदिन बाहर से बड़ी संख्या में यात्री आते हैं, साथ ही शहर से तहसीलों को भी लोग आना जाना करते हैं, पर इस समय अगर स्थिति देखें लॉकडाउन के दौरान तो आवागमन के सारे रास्ते बंद हैं, वाहन चल नहीं रहे हैं, साथ ही लगन विवाह शादी शुभ मुहूर्त हैं उनमें भी कई लोग परेशान हो रहे हैं, व्यापार व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद है और लॉकडाउन से क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, किस प्रकार से आम आदमी परेशान हो रहा है, उसको चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता, कई पदों पर रह चुके कांग्रेस के नेता ललित मीणा जी। किस प्रकार से यह लॉकडाउन, क्या गंभीर महामारी पर काबू पाया जा सकता है इसके माध्यम से या नहीं पाया जा सकता है, ऐसा बताइए लॉकडाउन के माध्यम से क्या इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है या नहीं पाया जा सकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि ये जो लॉकडाउन है ये बीमारी का हल नहीं है, हमें इसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को बढ़ाना होगा। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि वो अपनी ज़िले में स्वास्थ्य व्यवस्था को बढ़ाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और जो स्वास्थ्य सहायिका हैं उनके द्वारा क्षेत्र में सर्वे करवा कर सभी लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखें और जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें अलग से उपचार दिया जाए और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें अलग एक व्यवस्था कर कर उन्हें उनका ट्रीटमेंट किया जाए। और ये जो बीमारी है ये लंबी बीमारी है, हमें इससे लंबे समय तक लड़ना है तो लॉकडाउन इसका हल नहीं है। हमें इस व्यवस्था को बदल कर व्यापार व्यवसाय को चालू करना है, क्योंकि जो गरीब परिवार हैं और जो छोटे तबके के लोग हैं जो रोज़ाना कमाते हैं उनके यहाँ आने वाले समय में अन्न और दूसरी व्यवस्था ना होने के कारण वह खुद भी परेशानी में आएंगे और डिप्रेशन में आके कहीं ना कहीं गलत कदम उठाएंगे, जिससे कि हमारे प्रदेश का नाम बदनाम होगा। और हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, माननीय मुख्यमंत्री इस पर ध्यान दें। तो देखा किस प्रकार से कांग्रेस के नेता ललित मीणा जी ने कहा कि महिला बाल विकास के माध्यम से सहित स्वास्थ्य विभाग के जो अन्य अधिकारी हैं उनके माध्यम से घर घर अगर सर्वे किया जाता है और उनका उपचार व्यवस्था अगर मोहल्ला स्तर पर, वार्ड स्तर पर या तहसीलों स्तर पर किया जा सकता है तो इस महामारी की चेन को खत्म किया जा सकता है, इस महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को रोका जा सकता है और इस पर काबू पाया जा सकता है। अपितु अगर बात करें लॉकडाउन लगाकर व्यापार व्यवसाय को बंद रखकर अगर इस बीमारी पर कंट्रोल करने की कोशिश सरकार करती है, प्रशासनिक अधिकारी करते हैं तो ये कहीं ना कहीं असफल होंगे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।